अस्सलामुअलैकुम। सच एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसा क्यों है कि एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा जरमीन आज़र। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इवेंट में और हम यहां पर मौजूद हैं अब्दुल मजीद साहब के इस कराटे इंस्टीट्यूट में, जहां पर कराटे सिखाए जाते हैं ना सिर्फ छोटे छोटे बच्चों को बल्कि यहाँ पर ख़वातीन भी आती हैं और कराटे सीखती हैं। आज के प्रोग्राम के हवाले से हम आपको मज़ीद बताएंगे, हमारे साथ रहिए। जी जनाब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टी ओ लियारी आसिफ एजाज साहब। हम उनसे पूछेंगे आज के प्रोग्राम के भी हवाले से और उनसे हम बात करेंगे मज़ीद गवर्नमेंट स्कूल के मसाइल के हवाले से भी। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कराटे की जो एक्टिविटीज़ जो अर्ली एज में जो 7-8 साल से शुरू हो रही हैं, और मैं देख के हैरान रह गया कि जो उनकी एक्टिविटीज़ है कराटे के हवाले से। और इन्हें जो आजकल जो एक रिसर्च आ रही है कि अगर बच्चे को अच्छी स्पोर्ट अर्ली एज में मिल रही है, चाहे स्कूल में मिले या उसको अपने वालदेन दें, तो वो बहुत आगे चल के ग्रो करता है, अपनी मंजिल पर आ जाता है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे स्कूलों में पीटी और पीएचई टीचर तो हैं लेकिन वहाँ वैकेंट हैं और ये एक्टिविटीज़ हम नहीं करा पा रहे। तो ये इंशाल्लाह ताला मैं अपने हाई एप से टेकअप करूँगा कि असेंबली के बाद 10-15 मिनट ये कराटे मास्टर जो हैं ये हमारे स्कूलों में ट्रेनिंग करें। लेकिन मसला हमारे पास फंडिंग का है, हमारे पास एसएमसी के भी फंड तमाम थोड़े से हैं, जो उससे जो है जो स्कूल की डिमांड है वो हम कैटर नहीं कर पा रहे हैं। और भी हमारे साथ